आज हम एक बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि आप अपने जो एक्नी के निशानात होते हैं वो कैसे आप जो है वो घर पे रहते हुए ठीक कर सकते हैं, नेचुरली उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो उसके लिए आज मैं आपके साथ दो बहुत ही ज़बरदस्त वर्किंग रेमेडीज शेयर करूंगी जिसके इस्तेमाल से आपको जो है बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। तो उसमें जो सबसे पहली रेमेडी है वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त रेमेडी है और 100% वर्किंग रेमेडी है, और इसको आपने सिर्फ 2 हफ्ते अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपको विजिबल रिजल्ट्स नज़र आएंगे इसके। तो इसके लिए जो आपको पहला इंग्रेडिएंट चाहिए वो आपको चाहिए आलू। आपने आलू एक लेना है मीडियम साइज़ का, और उसको आपने या तो ग्राइंड करके या उसको ग्रेट करके आपने उसका जो है वो जूस बना लेना है। और आलू का जो आपको पता ही है, आलू के अंदर जो है बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। उसमें सबसे ज़बरदस्त सोर्स होती है विटामिन सी की, विटामिन B6 होता है उसके अंदर, नाइसिन होता है उसके अंदर, और उसके अलावा उसके अंदर एक नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट होता है एजेलिक एसिड, जो कि आपके डार्क स्पॉट्स को कम करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। सेकेंड इन्ग्रीडियंट जो हमें चाहिए वो है चावल का आटा। तो चावल का आटा आपने 4 टेबल स्पून चावल का आटा लेना है। चावल जो होते हैं उसके अंदर भी बहुत सारी जो है वो अफादियत होती है, जैसे कि उसके अंदर विटामिन B1 होता है, विटामिन B6 होता है, सिलेनियम होता है, कॉपर होता है। उसके अलावा चावल के आटे के अंदर जो आपको एक चीज़ मिलेगी वो है कोजिक एसिड। कोजिक एसिड जो होता है वो नेचुरली आपको मिल जाता है, तो वो अब काफ़ी ज़्यादा जो है वो फ़ायदेमंद होता है। आपके जो वो ब्लीचिंग एजेंट होता है, जो आपके डार्क स्पॉट्स होते हैं जो आपको एक्नी के बाद हो जाते हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। उसके अलावा जो तीसरा इंग्रेडिएंट है वो है एक एक मीडियम लेमन का जूस, यानी एक लीमू का जूस मीडियम साइज़ का। तो उसके बारे में सबको पता है कि उसके अंदर विटामिन सी होता है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा होता है स्किन के लिए, स्किन को लाइटन अप करता है, जो हमारे डार्क स्पॉट्स होते हैं और जो हमारी पिगमेंट होती है मेलेनिन उसको बनने से रोकता है। उसके अलावा आपने इसके अंदर जो चौथी चीज़ डालनी है वो है 4 टेबल स्पून रोज़ वाटर, यानी कि आपने अर्क के गुलाब उसके अंदर ऐड करना है 4 टेबल स्पून या 40 ml के करीब। तो वो बहुत अच्छा टोनर भी होता है और स्किन को लाइटन अप भी करता है। तो इन सारी चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स करके एक नॉर्मल कंसिस्टेंसी वाला पेस्ट बना लेना है, जो कि ना बहुत ज़्यादा पतला हो और ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो। और फिर आपने इसको जो है एक आइस क्यूब वाली ट्रे लेनी है और उसके अंदर जो है सारा ये आपने उसके अंदर डाल देना है, और इसकी क्यूब्स को आपने फ्रीज होने के लिए रख देना है। और इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आप इसको सुबह में बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं, अर्ली मॉर्निंग उठने के साथ ही आप इसको यूज़ कर सकते हैं। वैसे शाम वगैरह में भी कर सकते हैं, लेकिन इसका बेस्ट टाइम है कि आप इसको सुबह उठते ही इस्तेमाल करें। आप एक क्यूब जो है इसकी लेके वो आप सुबह में 10 मिनट के लिए इसको अपने चेहरे पर अच्छे से मसाज करें और 10 मिनट के लिए छोड़ दें, फिर आप इसको जो है अच्छे तरीके से वॉश कर लें। तो ये आपने 2 हफ्ते तक परफॉर्म करना है, आपको इसके बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप ये वाली रेमेडी अप्लाई करने से पहले जो है एक पैच टेस्ट ज़रूर कर लें, ताकि आपको पता चल जाए कि आपको इसके किसी इंग्रेडिएंट से एलर्जी तो नहीं है। तो और उसके अलावा जो सेकेंड रेमेडी है उसके लिए आपको चाहिए 1 ग्राम के करीब फिटकरी का पाउडर और 5 ग्राम के करीब मुल्तानी मिट्टी का पाउडर। और इसके अंदर आपने पानी ऐड करना है और 20 मिनट के लिए इसको अपने फेस पे अप्लाई करना है, और उसको फिर आपने वॉश कर लेना है। मुल्तानी मिट्टी और फिटकरी दोनों के अंदर जो है वो ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, और ये आपके पोर्स को भी अंदर से क्लीन करते हैं। तो आप ये दोनों रेमेडीज़ ट्राई करें, आपको बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट्स मिलेंगे। 100% वर्किंग रेमेडीज़ हैं।